हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। मैं हूं प्रोफेसर टेक एंड भाई आज एक बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो हम लेके आए हैं। वो है एएमडी का एफएसआर। एफएसआर अगर नहीं पता है तो स्क्रीन पे देख सकते हैं, एएमडी का फिडेलिटी एफएक्स सुपर रेजोल्यूशन एक टेक्निक है, एक टेक्नोलॉजी है बेसिकली, जो एनवीडिया जो डीएलएसएस में करता है, यानी कि रेजोल्यूशन कम करके उसको अपस्केल करके जो बूस्टिंग करता है फ्रेम्स में, एफपीएस में, वो चीज़ जो है वो GTA 5 जो कि ऑफिशियली इसको सपोर्ट नहीं करता है, बट एक यूज़र है नारुतो बोल के, ये यूट्यूब पे चैनल है उनका, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बेसिकली उन्होंने एक ऐसा मॉड बनाया है जहाँ पे आप दो फाइल्स को सिर्फ चेंज करना है आपको आपके इंस्टॉलेशन फोल्डर में, एंड आपको जो FSR जो है AMD का फिडेलिटी एफएक्स सुपर रेजोल्यूशन वो आप यूज़ कर पाएंगे। अब फिडेलिटी एफएक्स सुपर रेजोल्यूशन FSR जो है ये एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, यानी कि आपके पास NVIDIA GPU हो या AMD का GPU हो आप इसको बेसिकली यूज़ कर ही सकते हो। एंड इसमें फ़ायदा ये होता है कि इसमें बहुत सारे प्रीसेट्स होते हैं, जैसे कि क्वालिटी हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, अल्ट्रा क्वालिटी हो गया, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट ये रेजोल्यूशन को अपने आप से एडजस्ट करता है एंड फिर उसको अपस्केल करता है। तो हम लोग ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे एंड हम लोग जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो हम सीधा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये दो फाइलें डाउनलोड करनी है एज़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, एंड इन दोनों फाइल्स को आपको कॉपी करना है आपके GTA 5 के इंस्टॉलेशन फोल्डर में। अभी तक मैंने इसको ऑफलाइन मोड पे, स्टोरी मोड पे यूज़ किया है, मेरे को कोई इशू नहीं आया है। आई डोंट थिंक आप इससे बैन भी हो सकते हैं, बट बिकॉज ये एक थर्ड पार्टी यूज़र जो कि नारुतो, जिन्होंने ये बोला है कि उन्होंने खुद बनाया है, FSR का इम्प्लीमेंटेशन किया है, सो मैं आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि आप बैंड नहीं होंगे या ऐसा कुछ नहीं होगा, बट ऐसा है कि काइंड ऑफ सेफ ही है बिकॉज ज़्यादा कुछ चेंज हम नहीं करना है। तो इसके बाद हम लोग इसमें टेस्टिंग क्या करेंगे, तो टेस्टिंग के लिए जो हमारा रिग है दैट इज़ राइजन 3 2200G डुअल चैनल रैम 8GB की 2667 MHz पे 120GB का SSD है एंड एक दो हार्ड डिस्क लगे हैं जिसके अंदर ये गेम इंस्टॉल्ड है। बेसिक कहानी यह है कि नॉर्मल, एकदम जो नॉर्मल रेजोल्यूशन, टेक्सचर सब कुछ नॉर्मल है, सबसे लोएस्ट सेटिंग पे है, ट्रैफिक डेंसिटी वगैरह सबसे लो पे है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। एंड इसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसके बाद जो परफॉर्मेंसेस आती हैं दे आर लाइक दिस। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नेटिव 1080p रेजोल्यूशन की, यानी कि जब FSR मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया है उस टाइम पे हमको कितना FPS मिला। तो एज़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन जो नेटिव पे 1080p पे जब हम खेलते हैं तो एवरेज हमको FPS मिला 38.9 विच इज़ प्रीटी डिसेंट फॉर राइजन 3 2200G। डुअल चैनल पे है ये रैम इसीलिए 38.9 FPS तक जा रहा है, अदरवाइज ये 27 से 30 FPS के बीच में रहता बिकॉज हम लोग सिर्फ वेगा 8 IGPU का यूज़ कर रहे हैं। एंड 1% लोस जो थे वो 28.6 थे, 0.1% लोस थे 27.9, यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से प्लेबल है ये गेम एंड कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी जो अब बात हम लोग ये कर लेते हैं कि ये जो जो मॉडिंग है ये किस तरीके का है। मॉडिंग में इन्होंने AMD का जो फ्रेम स्केल रेजोल्यूशन का जो बार होता है उसमें चेंज किया है, सो इसीलिए गेम को पता ही नहीं है कि कुछ चेंज है एंड इसीलिए हम लोगों को जो कोई बैनिंग या उस टाइप का कोई इशू नहीं आना चाहिए। सेकेंड, अब हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है परफॉर्मेंस मोड स्केलिंग को 0.5x पे रखते हैं। 0.5x पे मतलब अप्रॉक्सीमेटली जो मेरे को लगता है कि 1080p के आधे रेजोल्यूशन पे कर रहा होगा। एंड एज वी कैन सी हमारा जो FPS है वो 38 से एवरेज FPS बढ़ के हो गया है 68.7। 1% लोस जो है वो 47.3 है, 0.1% लोस 35.3 है, सो वेरी डिसेंट बेंचमार्क्स फॉर दिस एप्लीकेशन। जो GTA 5 हम लोग कर रहे हैं, जो खेल रहे हैं, सिर्फ FSR के एक हमने टैब को चेंज किया है 0.5x के, जो कि इनका परफॉर्मेंस मोड है एंड परफॉर्मेंस मोड होने की वजह से हमको 68.7 FPS हमको मिल रहा है विच इज़ प्रीटी डिसेंट। एंड वेगा 8 GPU पे डेफिनेटली इट इज़ वेरी नाइस थिंग टू हैव, बट एक चीज़ ध्यान रखने का ये है कि बिकॉज ये अपस्केलिंग हो रहा है लोअर रेजोल्यूशन पे गेम को रेंडर करके, एंड थोड़ा सा जो गेम प्ले है वो हल्का सा ऐसा लगता है कि हम लोग लो रेजोल्यूशन पे खेल रहे हैं। हाउएवर द रेजोल्यूशन इज
1080p एंड ऑफ कोर्स अपस्केलिंग इतना अच्छा नहीं है जितना क्वालिटी मोड पे हम लोग या परफॉर्मेंस मोड पे हम लोगों को मिलना चाहिए। अगला जो बेंचमार्क है दैट इज़ ऑन द बैलेंस्ड मोड, जहाँ पे परफॉर्मेंस एंड जो क्वालिटी है दोनों को बैलेंस करके रखा गया है एंड 0.667x के उस पर ये आता है एंड उसमें हमको एवरेज मिला 61.4 विच इज़ अगेन अ वेरी डिसेंट एप्लीकेशन एंड ये परफॉर्मेंस मोड से बेटर लग रहा है देखने में। साथ ही 1% लोज 38.9 एंड 0.1% लोज हैं 34.2 FPS, सो वेरी डिसेंट अपग्रेड ओवर 38 या 39 FPS जो हम लोगों को नेटिव पे मिल रहा था एंड परफॉर्मेंस मोड जो कि बहुत ही गार्बेज टाइप का लग रहा था देखने में बिकॉज ऑफ द स्केलिंग, सो मच स्केलिंग, तो बैलेंस मोड जो है उससे थोड़ा सा बेहतर लग रहा है एंड ऑफकोर्स इट इज प्रीटी डिसेंट, नॉट बैड एट ऑल। अगला जो हमारा मोड है दैट इज द क्वालिटी मोड एंड एज वी कैन सी द क्वालिटी मोड में जो क्वालिटी है ऑफकोर्स उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, 0.75x में हमको मोड स्केलिंग पे डालना पड़ता है इसको एंड 57.3 FPS के एवरेज पे हमको ये गेम चलने को मिला एंड 39.2 FPS इसका 1% लोज था, 31.8 इसका 0.1% लोज था, तो अगेन हमको 57.3 विच इज़ अगेन अ वेरी डिसेंट जंप फ्रॉम 39.8 FPS एंड उसकी में क्वालिटी में जो है थोड़ा सा ही फ़र्क है, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क नहीं है एज़ कम्पेयर टू द नेटिव। एंड फाइनली अगर हम लोग बात करते हैं जो अल्ट्रा क्वालिटी मोड है जो कि स्केलिंग इसकी 0.84x टाइम्स है उस पे जब करते हैं तो मिलता है, तो एवरेज हमारा जो ड्रॉप करके हो गया है 49.5 FPS, 1% है 35.2 एंड 0.1% है 31.7। सो ऑल इन ऑल अगेन इस पे भी हमको अगर 50 FPS में मिल रहा है एज कम्पेयर टू 39.4 तो हम लोगों को फ्री का अप्रॉक्सीमेटली 20-30% का परफॉर्मेंस बूस्ट मिल रहा है इन दिस अल्ट्रा क्वालिटी मोड एज वेल एंड इसमें इसको जब हम लोग कंपेयर करते हैं नेटिव से तो डिफरेंस एकदम समझ में नहीं आता है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। वहीं पे जब इसको हम FSR के परफॉर्मेंस मोड से कंपेयर करते हैं तो ऑफ कोर्स हमारे FPS जो है वो अराउंड 19 के आसपास कम हो गया है बट क्वालिटी जो है एज कंपेयर टू जो अगर हम लोग बात करें FSR के परफॉर्मेंस मोड या बैलेंस मोड से तो डेफिनेटली उससे बेहतर है एंड दैट इज व्हाई आई थिंक अगर हम लोगों को इसको ऑन करके खेलना है तो बैलेंस मोड सबसे बेटर रहेगा बिकॉज वो हमारे FPS को 61 तक पुश करता है। तो अगर आपका PC 1080p पे 35 से 40 FPS ही खींचता है तो इस मोड का यूज़ करके आप इजीली 60 FPS टच कर सकते हैं एंड दिस इज़ व्हाई आई थिंक FSR जो है वो इतना अच्छा है बिकॉज एक तो ओपन सोर्स है, आपके पास GPU कोई भी हो आप इसको यूज़ कर सकते हो एंड जो भी गेम इसको इम्प्लीमेंट करेगा डेफिनेटली वो इससे एडवांटेजियस यू नो फ्रेम्स उसको मिलेंगे एंड एज़ कम्पेयर टू DLSS जिसमें हमको सेकेंड जनरेशन RTX या फर्स्ट जनरेशन RTX के कोर्स की ज़रूरत होती है, इसमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है एंड दैट इज़ व्हाई आई थिंक FSR should be a very decent thing to do, just like FreeSync, जो कि FreeSync की वजह से NVIDIA को भी FreeSync compatibility देना पड़ा था, तो इसी तरीके से DLSS में भी उसको open source करना पड़े in the future. I hope you guys had a lot of fun watching this video because GTA 5 60 FPS on Ryzen 3 2200G GPU बहुत ही मस्त कॉन्फ़िगरेशन के साथ बहुत ही मस्त परफॉर्मेंस हमको मिलता है, एटलीस्ट 60 FPS का जो क्रॉस है वो हम लोग कर लेते हैं एंड अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो डेफिनेटली मुझे बताना कमेंट्स में। इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू चैनल, हिट दैट नोटिफिकेशन बेल। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, स्टे ऑसम, स्टे सेफ, जय हिंद।